इस संसार में हम उन्हीं वस्तुओं को अनुभव कर पाते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचानती, जैसे जैसे मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं आदि इत्यादि। किंतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से नहीं पहचानती, किंतु वो है और वो अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे वायु, वायु को हम देख नहीं पाते और उसकी शक्ति का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही दो भाव हैं जो दिखते नहीं, हम उन्हें सुन नहीं पाते, किंतु वो है और अत्यंत शक्तिशाली है। ये दो भाव है प्रार्थना और विश्वास। ये भाव जिसके मन में हो वो संसार में कुछ भी कर सकता है, किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण दूं तो द्रौपदी की उस कथा को स्मरण कीजिए, माता देवकी के विश्वास को स्मरण कीजिए। उन्हें विश्वास था कि एक दिवस मेरा पुत्र आएगा और कंस का वध करेगा, और ऐसा ही हुआ। सत्य कहूं तो ये संसार मुझे ईश्वर कहता है, किंतु मैं ये मानता हूं कि मैं बस सबकी प्रार्थना और विश्वास का एक उत्पाद हूं। इन्हीं की प्रार्थना और विश्वास से ईश्वर को शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से वो सबका भला कर पाते हैं। विश्वास और प्रार्थना, इन दोनों भावों को मन में रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।